हेलो फ्रेंड्स, मैं बुशरा कुरैशी बुशरा गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो की शुरुआत में ये सनशाइन बता रही हूँ शाम के टाइम पे। ये देखिए वायर के ऊपर ये बर्ड्स आके बैठे हैं और शाम के आजू बाजू सब लाइटिंग हो रही है। इतना खूबसूरत नज़ारा है। और ये मेरा गार्डन, ये कुछ प्लांट्स थोड़ी थोड़ी सनलाइट में कुछ ऐसे दिखते हैं फ्रेंड। देखिए मेरा गार्डन, ये फ्लेम वाइन, इस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगी फ्रेंड। इसके भी फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए कुछ मेरा गार्डन थोड़ी थोड़ी सनलाइट में ऐसा दिखता है। आज का मुद्दा है कैल्शियम ब्लॉक, जो ये आपके सामने पड़े हैं। ये मैंने कैसे बनाए हैं ये मैं बता देती हूँ फ्रेंड। ये मैंने कैसे बनाए हैं, ये देखिए कुछ बाहर ही निकाल के रखे हुए हैं और कुछ अंदर ही रहने दिए हैं मैंने, क्योंकि मैं एक हाथ से कर नहीं पाती, इसलिए फिर मैंने निकाल के रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो कोलसा बोलते हैं उसका, उसको भूखा करके पाउडर बना के इस्तेमाल किया है। और एक के सेल्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए हैं। हल्दी इस्तेमाल की है थोड़ी सी, और अंदर खाने का नमक इस्तेमाल किया है, और तज के पाउडर, जो तज आती है जो बिरयानी में हम अक्खी डालते हैं, उसका पाउडर बना के इसमें मिक्स किया हुआ है, ये देखिए। और ये सबका पाउडर ही मैंने बना के यूज़ किया हुआ है। बिल्कुल हम जैसे आटा गूंथते हैं वैसा ही बनाना है। बस आटे को हम थोड़ा भान देते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इस लिक्विड को, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम ही रखना है। तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाएं और ये सब चीज़ें इकट्ठा करके मिलाएं, तो याद रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पार्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद सब थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में होना चाहिए, तभी ये ऐसा जम पाएगा और ये देखिए ऐसा ब्लॉक तैयार होगा। अगर आप कोलसा ज़्यादा लोगे तो कोलसे से ये ब्लॉक ब्लैक हो सकता है, और हल्दी ज़्यादा लोगे तो इसके अंदर से हल्दी का ही टेस्ट आएगा। तो आप तज पाउडर ज़्यादा ले लोगे तो तज पाउडर की स्मेल ज़्यादा आएगी। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो, इसलिए सब चीज़ का एक प्रमाण में लेनी है। सबसे ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है, उससे थोड़ा कम। एक केजी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हो तो फिर उसके अंदर 5 से 6 कोलसे का पाउडर डालिए आप, और 1 केजी के अंदर आप 2 या 3 छोटी स्पून, छोटा जो टेबल स्पून होता है इतनी हल्दी डालिए, और नमक आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, और तज पाउडर आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। और मैंने इसके अंदर जलेबी का रंग भी मिलाया था पर वो रंग आया नहीं इसके ऊपर, तो आप जलेबी का रंग भी मिला सकते हैं, वो 1 चम्मच डाल सकते हैं फ्रेंड आप। और 1 सेल्स थोड़े ज़्यादा डालें, 3 से 4 एग्स का कम से कम भूखा जो आता है पाउडर बना के डालें, 4 से 5 भी होंगे तो वादा नहीं है फ्रेंड, आप डाल सकते हैं। और इसका, इसके अंदर स्लोली स्लोली पानी डाल के आप इसे मिलाएं, एकदम मीडियम हो जाए, ऐसे रगड़े को करके देखें मीडियम हो जाए, फिर आप इसे ये ऐसे कोई भी ग्लास में डाल सकते हैं, प्लास्टिक या ये जैसे मैंने ये यूज़ किया है थर्मोकोल का, ये ऐसे या तो कोई भी प्लास्टिक के ग्लास में आप डाल सकते हैं। और याद रखें इसके अंदर कोई भी, मैंने ये वायर डाला हुआ है, आप फलियाँ भी डाल सकते हैं, ऐसा डाल दें ताकि इससे हैंग करने में आसानी हो सकती है फ्रेंड। और बर्ड्स के लिए ज़्यादा हार्ड ना हो, इसलिए मैंने आपको 1 केजी में कितनी कितनी चीज़ें लेनी है ये बता दिया है। तो ज़्यादा हार्ड ना हो बर्ड्स के लिए, तो आप इसी तरह बनाएं तो ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो 1 केजी का ये आप बनाएं सबसे पहले, तो ज़्यादा ना बनाएं। अगर आप पहली बार बना रहे तो 1 केजी में ही बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं। तो
तो ही ठीक होगा। जब एक दो बार आपका हाथ सेट हो जाए उसके बाद आप ये बना सकते हैं ज़्यादा, और आप इसे सेल भी कर सकते हैं फ्रेंड। ये मैंने फर्स्ट बार बनाया था और मेरे पास जितने बड़े उसके हिसाब से ये बहुत टाइम चलेगा। और ये देखिए ये पूरा ये तैयार है। कुछ यहाँ पे नीचे गिर गया था तो कुछ ख़राब भी एक दो हो गए हैं, जो नीचे से थोड़ा डैमेज हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे हैंग कर दूंगी फ्रेंड। और बाकी जो है ये उसको पूरा काटना पड़ता है फ्रेंड। और आप थोड़ा ज़्यादा सुखा लोगे तो ये ग्लास अखे ही मिलेंगे आपको। ऐसे आप नीचे से प्रेस करके इसे निकाल सकते हो, या तो इसको थोड़ा सा आराम से इसे खींच के भी निकाल सकते हो। तो आप कैसे ये कैल्शियम ब्लॉक बनाते हैं ये मेरे को नहीं पता फ्रेंड, पर मैंने ऐसे बनाया है। बहुत तरीके के बनते हैं ये कैल्शियम ब्लॉक, कोई दो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कोई चार डालते हैं। मैंने वो इंग्रेडिएंट्स बताए जो घर में आसानी से मिल जाते हैं फ्रेंड, और आसानी से आप कम पैसों में बना सकते हैं, और ये एकदम हेल्दी भी होंगे। इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं जो मैंने बताया उसमें, जो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बर्ड्स को कैल्शियम की कमी ना हो इसलिए कैल्शियम ब्लॉक दिया जाता है, और इसलिए ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग के टाइम पे भी इनको बहुत अच्छा रहता है। और ख़ास करके जो फीमेल होती है उसके लिए ये कैल्शियम ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ज़रूर बनाएं घर में ही, और उनको ज़रूर दें ये कैल्शियम ब्लॉक बनाकर, हैंग करें उनके पिंजरे में। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती है ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दें। अगर कोई सवाल है ये कैल्शियम ब्लॉक के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। 1 लीटर पानी के अंदर आप 1 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप 1 लीटर पानी मिनिमम जाएगा ही जाएगा, इससे ज़्यादा ना डालें। मैंने जब बना लिया है उसके बाद ही ये सुखा के मैंने बता पाई हूँ फ्रेंड। मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ बहुत सी चीज़ें, और आप पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालोगे तो ये देखिए ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये वो आसानी से चांच मार के खा सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा ही बनाना है फ्रेंड अपने बर्ड्स के लिए। और मैं आज आपसे शेयर करती हूँ मेरे गार्डन की ये चिली, जो अभी भी लगातार लग रही है। ये देखिए रेड हो गई है, ये देखिए अभी भी इस पर भी लगी हुई है, ये सारी अभी भी लगी हुई है। मैं 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, और ये देखिए सूरज जा चुका है और शाम का वक्त ख़त्म हो चुका है। और मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट करके बताएं, शेयर करें मेरी वीडियो को, और कोई भी सवाल है वो कमेंट करके ज़रूर बता दें।